लेकिन मुखिया कलेक्टर डॉक्टर लैयारा चटी ने शुक्रवार को एक बार फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय परिसर में गंदगी और अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था को देख कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और सफाई कर्मी और वाहन स्टैंड कर्मियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यालय परिसर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। जिले के मुखिया कलेक्टर डॉक्टर लैयारा चटी शुक्रवार को फिर एक्शन मोड में नजर आए। कलेक्टर डॉक्टर लैयारा चटी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय परिसर में कई स्थानों पर गंदगी और अव्यवस्थित वाहन पार्किंग देखकर कलेक्टर ने अधिकारियों की क्लास ली। उन्होंने सफाई कर्मियों और वाहन स्टैंड कर्मचारियों और ठेकेदारों को फटकार भी लगाई और निर्देशित किया कि व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारा जाए। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के रिसेप्शन का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर डॉक्टर लैयारा चटी के निरीक्षण के दौरान कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी भी उपस्थित रहे। शनिवार 14 मई को पूरे प्रदेश के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। नेशनल लोक अदालत उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला, तालुका, श्रम, कुटुंब न्यायालयों से लेकर अन्य न्यायालयों में आयोजित होगी। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से शनिवार को संपूर्ण मध्य प्रदेश की अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रवि मलिमठ और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति शील नागू के मार्गदर्शन में उच्च न्यायालय स्तर से लेकर सभी अदालतों में नेशनल लोक अदालत लगेगी, जिसमें न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं अपराध शमनीय मामलों सहित बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर, संपत्ति कर आदि प्रीलिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामले निराकरण हेतु रखे जाएंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कर्महे ने नेशनल लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 3 खंडपीठों में कुल 18 अधीनस्थ न्यायालयों में 1331 खंडपीठों का गठन किया गया है। ऐसे सभी मामले जिसमें कानूनन राजीनामा हो सकता है, दीवानी मामले, आपराधिक मामले, चेक बाउंस के मामले, ये सभी मामले कल लोक अदालत में लिए जाएंगे। जो रजिस्टर्ड केसेस हैं हमारी अदालतों में, उनमें ऐसे लगभग 1,80,000 मामलों को कल रखे जाने के लिए आइडेंटिफाई किया है। और ऐसे केसेस जो रजिस्टर होने के पहले की स्टेज में होते हैं, जिनको हम प्री लिटिगेशन केसेस कहते हैं, उनकी संख्या भी लगभग 4,00,000 है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 1349 खंडपीठों का गठन किया गया है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, उनमें कुल 18 खंडपीठों का गठन किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। जबलपुर जिले में कक्षा 5वीं की परीक्षा में 13,654 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें 81.5% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार कक्षा 8वीं में 71.74% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष प्रदेश में कक्षा 5वीं की परीक्षा में 8,26,824 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें 7,44,247 छात्रों को सफलता प्राप्त हुई है। परीक्षा परिणाम 90% रहा। इस प्रकार 8वीं की परीक्षा में प्रदेश भर के 7,56,967 छात्र शामिल हुए, जिनमें 6,23,370 उत्तीर्ण हुए। परीक्षा परिणाम 82.35% रहा। जबलपुर जिले की बात करें तो कक्षा 5वीं का परिणाम 81.5% रहा और कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम 71.74% रहा। 8वीं का 5वीं रिजल्ट आज आया हुआ है, जिसमें 5वीं में जबलपुर का रिजल्ट है 81.51% है और 8वीं का रिजल्ट है 71.74%। मैं आपको बता दूं कि 5वीं में हमारे यहाँ 16,751 बच्चे दर्ज थे, जिनमें से 13,654 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार कक्षा 8वीं में 18,257 बच्चे दर्ज थे, जिसमें 13,098 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। परसेंटेज देखा जाए तो कितना करीब होगा इसमें? अब परसेंटेज 5वीं का 81.51 है और 8वीं का 71.74%। राज्य शिक्षा केंद्र ने पूरे प्रदेश में इन दोनों परीक्षाओं के लिए 29,355 परीक्षा केंद्र एवं मूल्यांकन के लिए 975 मूल्यांकन केंद्र बनाए थे। कुछ लोग नाले नालियों पर भी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला शारदा नगर मदन महल का सामने आया है, जहां एक निजी कॉलेज प्रबंधन ने क्षेत्र के सार्वजनिक नाले पर कब्जा करके निर्माण कर लिया और क्षेत्रीय लोग परेशान हैं।
कलेक्टर डॉक्टर लैया राज चट्टी के निर्देश पर शारदा चौक मदन महल पहुंची नगर निगम की टीम उस वक्त हैरत में पड़ गई जब उसने सार्वजनिक नाले पर निजी कॉलेज का अतिक्रमण देखा। शारदा चौक के पास एक निजी कॉलेज प्रबंधन नाले पर अतिक्रमण कर चुका है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय लोग परेशान हैं और उनके द्वारा इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की जा रही है। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम की उपायुक्त अंजू सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो शिकायत को सही पाया। उन्होंने भवन शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बेजा कब्जा जल्द हटाया जाए। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो जनसुनवाई आयोजित की जाती है, उस जनसुनवाई में कुछ स्थानीय नागरिकों द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनकी नाली के ऊपर किसी अतिक्रमणधारियों ने कब्जा कर लिया। जब हम उसका निरीक्षण करने गए तो देखा कि माता गुजरी कॉलेज का जो कॉलेज बन रहा है या कुछ प्रमाइसिस बनाया जा रहा है, उन्होंने पूरे नाले को ढककर उस पर अतिक्रमण कर लिया। भवन अधिकारी और संभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए कि तत्काल उस प्रकार का जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और नाले को यथास्थिति किया जाए। किस एरिए का है? ये शारदा चौक मदन महल का है और वहाँ पे कॉलेज का प्रमाइसिस बन रहा है। जमीनों पर कब्जा करने वाले नाले नालियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनकी इस हरकत का खामियाजा पूरा क्षेत्र भुगत रहा है। यही वजह है कि शहर में कई स्थानों पर बारिश के मौसम में भराव होता है और आसपास रहने वालों को भीषण परेशानी झेलनी पड़ती है। रानीताल की सर्वोदय नगर बस्ती में रहने वाले नागरिक इन दिनों बदमाशों और गुंडा तत्वों के आतंक से भयभीत हैं। अवैध वसूली के लिए गुंडा तत्वों और बदमाशों के द्वारा क्षेत्रीय लोगों से मारपीट की जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस मामले की शिकायत एसपी कार्यालय में दर्ज कराई और पुलिस अधिकारियों से गुंडों बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। रानीताल सर्वोदय नगर बस्ती में गुंडों और बदमाशों के आतंक से भयभीत लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया है कि गुंडे और बदमाशों के द्वारा अवैध वसूली कर आतंक मचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से मारपीट की जा रही है, जिससे बस्ती में रहने वाले परिवार दहशत में है और स्थानीय लोगों ने पुलिस अधिकारियों से गुंडा तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। हम लोग संजय गांधी कॉलेज के सामने रहते हैं सर्वोदय नगर, उधर पे रोज आए दिन इन लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और मारपीट करते हैं, पैसे मांगते हैं। अगर पैसे नहीं दोगे तो लड़के को मारपीट करेंगे, और अभी झगड़ा किए हैं, हमारे बेटे को मारे हैं 5 तारीख को, नागराज कोरी है। आए दिन वो पैसे मांगता रहता है और नहीं देते हैं। लड़के बच्चे अगर अपना काम धंधा करते हैं उनको करने नहीं देते हैं। बदमाश हैं इन लोग, वहाँ के गुंडागर्दी करना ही काम है उनका, और कुछ काम नहीं है इनको लूटना। उनको लाडगंज थाना नागराज कोरी है, ब्रह्मैया कोरी है, उसके भाई चिन्ना राव है, वेणुगोपाल है और एक रामा स्वामी है। ये 4-5-6 लोग हैं जिनसे मतलब हमें और हमारे परिवार को जान का बहुत खतरा है। इन लोग क्या है, घर के सामने से निकलते घूरते जाते हैं और रात में इन लोग क्या है अपनी फील्डिंग लगाते हैं, तलवार ले लेके घूमते हैं और बोलते जो मिल जाए मार दो उसको। तो अब हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण में लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग झगड़े झंझट से दूर ही रहते हैं और ना कभी करते हैं और ना हम लोग का कोई रिकॉर्ड है, वो आदतन अपराधी है। पुलिस अधिकारियों ने बस्ती वासियों का आश्वासन दिया है कि गुंडा तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्राइम ब्रांच और मानोताल थाने की पुलिस टीम ने एक मारुति कार से करीब 3.5 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच और मारोताल थाने की संयुक्त टीम ने कटंगी बाईपास के पास एक मारुति ओमनी कार से लाखों रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की। कार से पुलिस ने अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब और करीब 15 कार्टून बियर जब्त की है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने अवैध रूप से कार में शराब का परिवहन कर रहे कार चालक बेलखेड़ा निवासी अजय ठाकुर गोंड और गढ़ापुरवा निवासी राम सिंह उर्फ रमाशंकर राय को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। माढ़ोताल क्षेत्र अंतर्गत क्राइम ब्रांच और माढ़ोताल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 3 लाख कीमती शराब पकड़ी है, जिसका अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी क्राइम श्री संजय अग्रवाल सर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इसमें लगभग 70-80 लीटर के ऊपर शराब विभिन्न विभिन्न ब्रांडों की पकड़ी गई है और जिसमें 34-2 का मामला पंजीकृत कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और अग्रिम विवेचना जारी है। ये शराब ये अपने एक दुकान से लेके गोडाउन के माध्यम से ट्रेवल कर रहे थे, इनके पास कोई भी परमिट नहीं था और दोनों ही अपराधी जबलपुर जिले के रहने वाले हैं।
पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ ही ओमनी वैन भी जब्त की है और शराब तस्करी के इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जहरीली वस्तु का सेवन करने वाले एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। मृतक मारुताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजरंग नगर का निवासी था। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले में मर्द कायम कर जांच शुरू कर दी है। जहरीली वस्तु का सेवन करने वाले बजरंग नगर माणोताल निवासी सुनील ठाकुर नामक एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। सुनील को उसके परिजनों ने गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल में भर्ती कराया था। सुनील की मौत की जानकारी मिलने के बाद माणोताल पुलिस ने मर्ग कायम कर उसके शव का पोस्टमार्टम कराया है। सुनील ने किन कारणों से जहरीली वस्तु का सेवन किया इसे लेकर जांच करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कही है। प्रातः मेडिकल से ये सूचना आई कि एक व्यक्ति जो कि जहर खाया हुआ था उसे भर्ती किया गया था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। पता चला ये सुनील ठाकुर है, बजरंग नगर का है। उसके द्वारा पॉइजन लिया गया था। अभी जांच चल रही है कि किस लिए पॉइजन लिया गया और उसकी डेथ हो चुकी है। पूरी पंचनामा कार्रवाई की गई प्रॉपर और उसका जो शव था उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। और अब एक नजर मौसम पर। जिले में दक्षिण पश्चिम हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में भी उछाल आया है। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में बीते कई सालों के बाद सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। प्रदेश में सीजन में पहली बार भिंड का तापमान 48.7 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। जबलपुर में दिन के तापमान में एक बार फिर उछाल आया है। शुक्रवार को जबलपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में दक्षिण पश्चिम हवाओं ने भी रफ्तार पकड़ी है और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म हवा तेज धूप के कारण दिन के समय लोगों को तीखी गर्मी का सामना करना पड़ा। लोग गर्मी से बचते नजर आए और तो और गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। इस बार गर्मी अभी चरम सीमा पर है, हम लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। धूप में कारण धूप इतनी इस बार से हो गई है जिसमें आना जाना बहुत दूभर हो रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी के कारण ये मारा है, जो पिछली बार वर्षा कम हुई है उसी के कारण इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं सब लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब ज़्यादा ही काम हो जब ही घर से निकलें, अन्यथा घर पर रहें, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है और टेम्परेचर रोज़ बढ़ता जा रहा है और छोटे बच्चों को लेकर घर से ना निकलें। पिछले 4 दिनों में मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। जबलपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। 2 दिन की राहत के बाद सूरज के तेवर फिर तीखे हो गए हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन उड़ीसा की तरफ बढ़कर कमजोर हो रहा है। 15-16 मई से पश्चिम विक्षोभ के प्रभावी होने की संभावना है, जिसके बाद आसमान पर बादलों के साथ ही गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए।